हिमाचल प्रदेश सरकार विकलांगजनों के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है। हिमाचल सरकार अभी तक विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू नहीं कर पा पाई है। यही नहीं, सरकार ने अभी तक इस अधिनियम के नियम तक नहीं बनाए हैं और इसे सरकार की इन वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने विकलांगजनों के मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के सीएम, मंत्री और अधिकारी इन विकलांगों के साथ फोटो खींचने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन इन्हें वास्तव में क्या चाहिए इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कल अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस है और इसे देखते हुए वे आज इस वर्ग की समस्याओं को उठा रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि संसद द्वारा पारित किए गए विकलांग जन अधिकार कानून 2016 को भी प्रदेश में लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार की कोताही का पता इससे चलता है कि 19 अप्रैल से इसे लागू किया जाना था और 7 महीने से ज्यादा का समय बीतने पर भी सरकार ने इसके नियम तक नहीं बनाए। उमंग फाउंडेशन ने हिमाचल प्रदेश सरकार के पिछले 5 साल के उस कामकाज का लेखा जोखा यहाँ पर रखा है, उन नाकामियों को गिनाया है जो विकलांग जनों के लिए इन्होंने नहीं किए काम, उनका लेखा जोखा गिनाया है। इस सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसको हम माने कि विकलांगों को उनके कानूनी अधिकार या हाई कोर्ट के ऑर्डर दे करके इन्होंने किया हो, माने हो, बिल्कुल नहीं माना। मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं, विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 19 अप्रैल से पूरे देश भर में लागू हो गया। हम लगातार कहते रहे इस सरकार को कि आप इस कानून को हिमाचल प्रदेश में लागू कीजिए, इसके लिए नियम बनाइए, इसमें जो जो प्रावधान है शिक्षा के, नौकरियों के, इनको न्याय दिलाने के और जो भी अधिकार हैं वो सब दीजिए। इस सरकार ने अनसुनी कर दी, 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, इन्होंने ये कानून हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया जो कि 19 अप्रैल से पूरे देश भर में लागू हो जाना चाहिए था। शर्म की बात तो ये है कि इस कानून को लागू करने से पहले इसके अंतर्गत नियम बनाने जाने चाहिए, इनको नियम बनाने चाहिए थे, वो नियम अभी तक भी नहीं बनाए गए हैं। जब नियम ही नहीं बने हैं तो कानून कैसे लागू होगा। वहीं हिमाचल विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विकलांग विद्यार्थियों ने कहा कि कानून के मुताबिक उन्हें शिक्षा और नौकरी चाहिए। इन विद्यार्थियों ने कहा कि हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग ने एलाइड के 84 पद विज्ञापित किए हैं, लेकिन उनके लिए भी इसमें कोई आरक्षण नहीं रखा है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में 83 प्रावधानों को लागू किया जाए। हम पढ़ तो रहे लेकिन कैसे पढ़ें, हम किस तरह से, मतलब चाहे वो स्कूल लेवल में हो, चाहे वो कॉलेज लेवल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल तक, आज तक सबसे बड़ी समस्या सिलेबस की। और एग्ज़ाम रही, एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम के लिए कभी राइटर के ऑब्जेक्शन हो जाता है, कभी क्या, कभी कुछ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि राइटर किसी भी उसका हो सकता है, किसी भी स्टैंडर्ड का कोई भी हो सकता है, हम किसी को भी राइटर ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो जाता है। सॉफ्टवेयर के लिए इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि अगर कंप्यूटर होंगे तो उनमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और हमें ऑडियो सिलेबस प्रोवाइड होगा तो हम कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, और उसमें अगर सॉफ्टवेयर होंगे, डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें प्रॉपरली सॉफ्टवेयर होंगे तो हम कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। बड़ी मुश्किलों से मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की है, वो भी अपने फ़ोन में किसी तरह अपनी फ्रेंड के थ्रू अपना सिलेबस थोड़ा सा रिकॉर्ड करवा के, या फिर क्लास में क्लास टीचर का लेक्चर सुन के, उसको बड़ी मुश्किलों से मैंने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी, फिर एग्जाम दिया। बस मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, पर उसके लिए प्रॉपर असेसिबिलिटी, प्रॉपर सुविधाएं प्रोवाइड की जाए बच्चों को, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो किसी भी ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर हो। दूसरा बात है जॉब्स के लेकर, जॉब्स में हमेशा निकलती है, रिक्रूटमेंट होती है, पर उसमें डिसेबल बच्चों के लिए कोई भी बहुत ही कम, या फिर अभी रिसेंटली बहुत सारी जॉब्स निकले हैं उसमें डिसेबल बच्चों के लिए एक भी सीट नहीं है, चाहे वो ऑर्थो के लिए हो चाहे विजुअल के लिए हो। ऐसा क्यों, हम क्यों कम्पीट करें दूसरों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।